बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए नया प्लान और नई टीम तैयार की गई है। सीएम के निर्देश पर बहराइच पहुंचे वन मंत्री ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। अब तक हुए एक्शन की रिपोर्ट अधिकारियों ने वन मंत्री के सामने रखी, जिसके बाद नई टीम बनाने का ऐलान हुआ है। नई टीम के साथ अब आदमखोर के अंत की कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। अठारह ट्रेंड शूटर, 15 स्पेशल टीम, 3 सेक्टर, 150 लोगों का मैन पावर, पकड़े जाए तो ठीक, नहीं तो एनकाउंटर। आदमखोर पर प्रहार, फाइनल प्लान तैयार। अब आदमखोर भेड़ियों का अंत निश्चित। बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों के आतंक का अवंत तय हो चुका है। भेड़ियों को गोली मारने के आदेश के बाद अब 18 ट्रेंड शूटर्स को इलाके में लगाया गया है। आदेश साफ है, पकड़े गए तो ठीक, नहीं तो एनकाउंटर, क्योंकि प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है। भेड़िए के अंदर एक खासियत है कि जो एक बार अटैक करता है तो दोबारा वैसे नहीं करता है। तीसरा, जो जब एक बार दिख जाता है ड्रोन कैमरा या कोई आवाज हो जाती है तो वो अपना स्वभाव बदल देता है। तो अब नए जितने भी उसके बचे हुए स्वभाव हैं उसके हिसाब से उसको पकड़ने के लिए उन्होंने थोड़ा समय मांगा कि उसको हम टेक्निकली रूप से रिसर्च कर लेते हैं और फिर जल्दी पकड़ लेंगे। रा शूटरों की संख्या 9 से हम लोगों ने बढ़ाकर उसको दुगना कर दिया कि अब जब भी हों उसमें एक्सपर्ट शूटर हों। ये नहीं हो कि कम भेड़िया मारने के चक्कर में कोई हमारा दूसरी कोई घटना न हो जाए, ये भी देखना आवश्यक होता है। करीब 10 दिनों से चल रहे ऑपरेशन भेड़िया में 4 आदमखोर तो पकड़े गए, लेकिन 2 भेड़ियों ने वन विभाग, पुलिस और 20 टीमों के पसीने छुड़ा दिए। बार बार बीच में हमले भी हुए और प्रशासन की तैयारी धरी की धरी रह गई। अब सीएम योगी के सख्त निर्देश के बीच जब वन मंत्री बहराइच पहुंचे तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत भेड़ियों को मारने के लिए 18 ट्रेंड शूटर्स तैनात किए गए हैं। पकड़ में न आने पर भेड़ियों को मारने के आदेश दिए गए हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 15 नई टीमों का गठन किया गया है। भेड़िए को पकड़ने के लिए टीम को 7 से 10 दिन का समय दिया गया है। डीएम स्तर पर रोजाना इसकी रिपोर्टिंग होगी। पुलिस और फॉरेस्ट विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। अलग अलग विभागों के नोडल बनाए गए हैं। ऑपरेशन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो चुकी है और साफ कर दिया गया है, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। डीएम स्तर पर डेली रिपोर्टिंग होगी। पुलिस विभाग, जो है हमारा फॉरेस्ट विभाग है, ये दोनों और हमारे जो और भी प्रशासनिक व्यवस्था वो तीनों, बिजली विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ये सारे विभाग अलर्ट होंगे और उनके नोडल बना दिए गए हैं। वो जब तक भेड़िया पकड़ नहीं लिए जाते और यहाँ का सब सिस्टम नहीं हो जाता तो वो सबके नोडल विभाग बना दिए गए, उनका अधिकारी नियुक्त कर दिए गए और उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि कुछ ऐसा होता तो लापरवाही किसी भी तरह। हमको लगता है कि हम 1 हफ्ते से 10 दिन लगता है उसका, क्योंकि 5-6 दिन सर्च करने में लग जाता है, उसका व्यवहार जानने में 7 दिन लग जाता है, उस व्यवहार के हिसाब से उसके पकड़ने की व्यवस्था होती है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। 7 से 10 दिन का समय भी तय कर दिया गया है, तो लोगों को भी जिम्मेदार रहने को कहा गया है। वन मंत्री ने साफ किया कि लोग खुद भी पहरेदारी करें, खुले में घर में न सोएं। जिन लोगों के घर में दरवाजे नहीं हैं, उनके रहने के लिए दूसरी जगह पर सरकार ने व्यवस्था की है। हम लोगों के सामने 2 बातें, एक तो भेड़िया और दूसरा जनता को भेड़िए से बचाना। जनता को बचाने के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं घर के अंदर सो, घर का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा के सो, खुले में शौच मत जाओ। रात में लाइट का इंतजाम वहाँ किया गया है, बिजली विभाग से कहा गया है कि उधर की लाइट में कटौती ना की जाए। इसके साथ ही साथ जनता से कहा गया है कि खुद पेट्रोलिंग करो, रात में चौकीदारी खुद करो। भेड़ियों को पकड़ने के लिए नई टीम अपने काम में जुट गई है। उम्मीद है अब भेड़िए जल्द पकड़े जाएंगे और 50 से ज्यादा गाँव में कई दिनों से चली आ रही आदमखोर की दहशत से लोगों को निजात मिल जाएगी। 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए, जबकि दूसरी ओर
जब तक भेड़िये पकड़े नहीं जाएंगे तब तक आम लोगों को बचाने के लिए भी लगातार लोगों को जागरूक करने और जिनके घरों में दरवाजे नहीं हैं, जिनके पास रहने का सुरक्षित स्थान नहीं है, उनको स्थानीय स्कूलों या किसी सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान इस बैठक में जो शूटर्स हैं उनकी संख्या भी 9 से 18 किए जाने की निर्देश दिए गए हैं और पुलिस को भी लगातार पेट्रोलिंग कर घरों से बाहर सोने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार ने ये साफ कर दिया है कि सबसे पहली प्राथमिकता महराइच के महसी इलाके के लोगों को आदमखोर भेड़ियों से उनकी जान बचाना है और साथ ही साथ इन आदमखोर भेड़ियों को जल्द से जल्द सुरक्षित पकड़ना भी है। लेकिन अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर वन विभाग ये काम नहीं कर पाएगा तो इन भेड़ियों को बक्सा भी नहीं जाएगा, इन्हें गोली मार दी जाएगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। तो भेड़ियों को मारने के लिए शूटर्स तैनात किए गए हैं। पहले 9 शूटर्स थे, अब संख्या बढ़कर 18 कर दी गई है। खास बात यह है कि सभी शूटर्स वेल ट्रेन बुलाए गए हैं। भेड़िए के पकड़ में नहीं आने पर उन्हें मारने की तैयारी है। भेड़िए को पकड़ने के लिए 15 नई टीमों का गठन किया गया है। नई टीम में एक्सपर्ट्स लोगों को शामिल किया गया है जिसमें 150 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। आपको ये जानकारी दे देते हैं कि भेड़िए को पकड़ने के लिए 7 से 10 दिन का समय दिया गया है टीम को। हमले वाले महसी इलाके को 3 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में 5-5 टीमें बनाई गई हैं जिसमें 10-10 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन से भी तलाशी की जा रही है। फिर आया आदमखोर। कैमरे में 2 से ज्यादा नरभक्षी, फिर झुंड में निकला लंगड़ा सरदार। फिर एक्टिव हुआ भेड़िया गैंग। जाल, ड्रोन, पहरेदारी, भेड़िए सब पर भारी। पीछे रह गए जाल, भेड़िए ने बदली चाल। आदमखोर अभी जिंदा है। बहराइच के 50 गांवों में आदमखोर भेड़ियों का खौफ बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में एक रात पहले एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 भेड़ियों के देखे जाने का दावा किया गया है, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। वही अब गांव वालों का दावा है कि फरार चल रहे भेड़ियों की संख्या 2 से ज्यादा है। गाँव वालों ने न्यूज 18 से बातचीत में ये दावा किया कि भेड़ियों के झुंड में अभी कई और भेड़िए हैं जो गाँव में लोगों पर हमला कर रहे हैं। एक लंगड़े भेड़िए के साथ उसके कई दूसरे साथियों को भी देखने का दावा गांव वालों ने किया है। गांव वालों का दावा है कि भेड़ियों का मूवमेंट बार बार देखने को मिला है। प्रशासन की पेट्रोलिंग और ड्रोन सर्विलांस के बावजूद भेड़ियों के मूवमेंट को रोकने में नाकामी मिली है। भेड़ियों के आतंक के चलते लोगों की रातों की नींद हराम है। घाघरा नदी के किनारे महसी तहसील के पूरा प्रसाद गांव इलाके में एक बार फिर से भेड़िया देखे जाने का दावा किया गया है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब आपको भेड़िये की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सिकंदरपुर गांव की है, जबकि दूसरी तस्वीर महसी तहसील के पूरा प्रसाद गांव की है। इन्हीं दोनों गांवों में भेड़ियों को देखने का दावा किया गया है। इससे पहले गरेठी गांव के गन्ने के खेत में भेड़िया दिखा था, उसके बाद वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन में भेड़िया नहीं मिला।
भेड़िये का आतंक बना हुआ है और ऐसे में वन विभाग के अधिकारी भी युद्ध स्तर पर जुटे हैं। आज वन मंत्री जहां एक और स्टाफ को दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को, तो वहीं आप देख सकते हैं वन विभाग के अधिकारी यहां इस वक्त मौजूद हैं और इस ईंख के खेत में यानी गन्ने के खेत में कर रहे हैं और चाहे इनकी पूरी टीम लगी है तो देख सकते हैं कुछ लाठी कुछ डंडे लेके और यहां तक कि उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं या यहां इनके डीएफओ सर मौजूद हैं। सर क्या देख रहे हैं सर यहां? पक्षी देख रहे हैं हम लोग। अच्छा भेड़िये की सर पूरा खेत देख रहे हैं अंदर तक? जी अंदर तक जाएंगे, जाता संकल्प लगेगी कि हाँ इधर हो सकता है इधर बैठा होगा। हाँ। तो देख उसी को देख रहे हैं। कोई पक्षी दिखा सर अभी? अभी नहीं दिखा दिया। तो कितनी टीम लगी आपके साथ? तमाम लोग देख रहा हूँ लगे हुए हैं जी। सर इसकी फोटोग्राफी भी करा रहे हैं आप लोग? जी हाँ फोटोग्राफी मोबाइल से ले रहे हैं अपनी हम लोग। अच्छा सर जी, तो आप देख सकते हैं कि ये टीम यहाँ मौजूद है फॉरेस्ट की, जहां तक कैमरे की नजर आ रही है पूरे हाथ में डंडे लेके पूरी टीम और न्यूज 18 की टीम भी इस वक्त राउंड जीरो पर है क्योंकि अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि चप्पे चप्पे पर फैल जाए ताकि किसी प्रकार की जो लोगों को आशंका है कि यहां इस खेत में हो सकता है या सामने वाले गांव के मजारे में हो सकता है। और ऐसे में अब पूरे जहां तक इस पूरे एरिया की बात की जा रही है यहां इस वक्त फॉरेस्ट विभाग की टीम मौजूद है। अब जब इनका ये सर्च ऑपरेशन समाप्त होगा तब जाके पता चलेगा कि क्या यहाँ भेड़िया के पक्षी मिले या नहीं। सिकंदरपुर गांव में भेड़िये से बचने के लिए लोग लाठी टॉर्च के साथ रात रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर धमाका किया जा रहा है ताकि आदमखोर भेड़िया गाँव के आस पास भी ना भटक सके। तो वही ग्राम प्रधान गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर गाँव वालों को सतर्क रहने और घर का दरवाजा बंद रखने की अपील कर रहे हैं। किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा। बहराइच में प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़िये पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार की ओर से भेड़ियों के एनकाउंटर का आदेश जारी कर दिया गया है। सारे रास्ते असफल हो गए तभी जो है मारने की अनुमति चाहिए। तो पकड़ने की तो इतने दिन से कोशिश हो रही है, 10 लोगों को मार दिया भेड़िये ने, तो पकड़े गए 4 जी। अगर इस तरीके से पकड़ में आ गया तो माननी जरूरी है। बहराइच में आदमखोर भेड़िये की दहशत कायम है, लेकिन राहत की बात यह है कि 2 दिनों में भेड़िये ने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया है। भेड़िये के आतंक को लेकर शासन प्रशासन भी लगातार बैठक कर रहा है। भेड़िये की दहशत से किसान खेतों पर जाने से कतरा रहे थे, लेकिन 2 दिनों में भेड़िये की किसी प्रकार की कोई हलचल और घटना नहीं होने से ग्रामीण और किसान अब खेतों पर दिख रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से भेड़िये की दहशत से ग्रामीण परेशान थे और वही अपने खेतों पर नहीं जा रहे थे। देखिए फसलें पूरी खड़ी हैं, अगर धान की बात की जाए तो ये धान है, हम भी यहाँ मौजूद हैं और ऐसे में मैं अपने कैमरामैन गोपी से कहूंगा उस तरफ का दृश्य दिखाएं कि कैसे किसान अब बहुत दिन बाद फिर से खेतों पर आए हैं काम करने के लिए क्योंकि